हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्योति किचन हिंदी। तो आज मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो प्रोटीन फाइबर से भरा हुआ है और टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट या रात को डिनर में भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्वीट कॉर्न का। तो ये हमारा एक स्वीट कॉर्न है, इसे अभी कुकर में डालेंगे। साथ ही कच्चा मूंगफली लेंगे आधे कप के लगभग और आधे कप लेंगे चना स्प्राउट्स। आप यहाँ पर नॉर्मल चने को भी सोख किया हुआ ले सकते हैं, और या फिर आप अगर मूंगफली ले रहे हैं तो आप मूंगफली को सोख करके भी ले सकते हैं। ये मेरा सोख किया हुआ नहीं था। अभी हम यहाँ पे नमक लेंगे 1 चम्मच और पानी डाल देंगे 2 कप के लगभग। और इसे अभी क्या करना है, हमें मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगानी है। पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे, मीडियम करेंगे और 2 सीटी लगा लेंगे। अगर आपका सोख किया हुआ मूंगफली रहेगा तो बहुत जल्दी से ये कुक हो जाता है। अगर आपका सोख नहीं किया हुआ है तो आप इसे 2 सीटी लगा लें तो बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगा। तो जब तक हमारा उधर सीटी लग रहा है, तब तक इधर क्या करेंगे, हम थोड़ा अभी सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, चुकंदर, जो भी आपको पसंद है वो सारी सब्जियों को आप यहाँ पे ले लें और बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जितने मैंने यूज करा है सारे हेल्दी है। तो बस ये बहुत ही हेल्दी है, इसलिए मतलब मेरा खुद का मतलब किया हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ तो हर दिन यही अभी ब्रेकफास्ट में चल रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से बस हम क्या करेंगे, अभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर बीटरूट वगैरह, गाजर या नहीं पसंद जो आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सब अंदाज से ही लिया हुआ है, आपको जितने जरूरत हो उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। इतने नाश्ते में आपका 3 आदमी बहुत अच्छे से एकदम पेट भर के खाना खा सकते हैं, और आपको पूरे दिन तक ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा सा और भूख का एहसास ही नहीं होगा। तो अभी क्या है, ये मेरा सीटी निकल गया था और पानी को मैंने हटा दिया है, और स्वीट कॉर्न जो था उसके हम हटा दिए, और इस तरह से हम ले लेंगे। और एक जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न आता है आप उसे भी ले सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सारी चीजों को अभी हम एक बाउल में डाल देंगे, और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी स्पाइसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे हरी मिर्च वगैरह। फिलहाल मैं तो नहीं डालने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल मेरा बनता है, बस काले नमक डाल दिया थोड़ा सा और नींबू का जूस, 1 से 2 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप हरी धनिया की पत्ती, चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च, जो भी आपको पसंद है सब कुछ काट कर डाल लें। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को एकदम सिंपल ही पसंद है और ऐसे ही डेली खाते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हो आपको ये नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।